हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का चौथा दिन रहा। चौथे दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक देखने में आई, हंगामा आराई देखने में आई। विपक्ष ने सदन के भीतर ही जमकर हंगामा किया, साथ ही स्पीकर की कुर्सी का भी घेराव किया। नारेबाजी करते हुए दो बार सदन से बाहर निकल गया था विपक्ष। आपको बता दें कि पूर्व सरकार की आर्थिक कारगुजारियों पर जारी श्वेत पत्र में बड़ा खुलासा हुआ है। सदन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने व्हाइट पेपर प्रस्तुत। देश की वित्तीय स्थिति में जो है श्वेत पत्र तैयार करने के लिए, व्हाइट पेपर तैयार करने के लिए और चार महीने की गहन जो पड़ताल के बाद हमने वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को सौंपी और जो तस्वीर हिमाचल प्रदेश की सामने आई और किस ढंग से जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने हिमाचल प्रदेश के राजकोषीय जो कुप्रबंधन है कैसे किया, जिससे कि हिमाचल प्रदेश का जो है वित्तीय तौर पे कमर टूट गई और आज जो सारी स्थितियां खड़ी हुई हैं ये उसी का नतीजा है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में ये रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की आई है उसमें ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के जबरदस्त दबाव में है और ये जो पूरे देश के जो राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जे लिए उस सूची में हिमाचल प्रदेश पांचवें पायदान पे अंकित किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डबल इंजन का दावे करते थे और जो ये कहते थे कि जो कल भी ये प्रेस कर रहे थे कि केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जाए, उनकी वास्तविकता उनका चेहरा बेनकाब हो रहा था आज। तो इसलिए जब चेहरा बेनकाब हो रहा है तो वो बार बार बेल में आ रहे थे, एक बार नहीं दो बार बेल पे आए। वो नहीं चाहते थे कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाए, इस रिपोर्ट को जो है इस विधानसभा में पढ़ा जाए, तो वो बहाने बना रहे थे कि इस रिपोर्ट को आज के दिन क्यों रखा गया, कल क्यों नहीं रखा गया, परसों क्यों नहीं रखा गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो राज्य के साथ खिलवाड़ किया वो जो है आज सारी स्थिति सामने है।